जय जगन्नाथ। मु अम्लान नायक वर्तमान सबुठारु बड़ आउ केवल बच्चा बच्चा ब्रेकिंग न्यूज रा खबर रखिबा निश्चित भिडियोटि शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही भिडियोटि समस्त गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। डेरी न करि आरंभ करबा कोन जय जगन्नाथ नंबर 1 मिशन शक्ति जिला फेडरेशन पाई 1 कोटी टंकार रिवॉल्विंग पांठि एवं ब्लॉक फेडरेशन को 50 लाख रो पांठि घोषणा कले मुख्यमंत्री। महिला को मजबूत करने आमर लक्ष्य। बिना महिला शक्ति रे कौन से परिवार समाज राज्य किंबा राष्ट्र केबे भी आगे जीवार नजर नहीं। ओडिशार 6 लाख स्वयं सहायक गोष्ठी कार्य करुछंती। राज्य सरकार SSC मानकु रूपांतर करबाकु लक्ष्य रखिछंती। एथिलागी आमे सबकिछि करबाकु प्रस्तुत बोली कहिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मिशन शक्ति माँ मानू बिना सुधरे 5 लाख टंका पर्यंत ऋण घोषणा करी। यहाद्वारा ओडिशार लक्ष लक्ष माँ उपकृत हेबे। आसंता 5 वर्ष SSC मानक 5000 कोटी टंका सेवा और सामग्री पाइबाकु सरकार निष्पत्ति नेइछंती। मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे आयोजित SSC सम्मेलनी रे उद्बोधन दे मुख्यमंत्री कहिछंती वर्तमान सारा राज्य में 70 लाख सशक्त महिला सृष्टि होइछंती। भुवनेश्वर जनता मैदान में चलीथिबा मेगा बिजनेस समिट मेक इन ओडिशा कनक्लेव रो मिशन शक्ति पक्षर राज्यर 3000 अधिक SSC मानक नहीं शक्ति समावेश हो। मो सरकार महिला सशक्तिकरण केवल एक स्लोगान नुहे, यह एक पवित्र दायित्व। मुख्यमंत्री कहते जे मोर दृढ़ विश्वास माँ मानक सशक्त नक कौन परिवार कौन समाज कौन राज्य कौन देश आगक बढ़िपार ना। ओडिशे 6 लाख स्वयं सहायक गोष्ठी SSC मानक सेम्रे रूपातर करवा राज्य सरकार लक्ष्य। एम सबकि प्रस्तुत बोली मुख्यमंत्री कहते। नंबर 2 ओडिशे प्रतिष्ठा हेब पूर्व भारतर प्रथम सेमी कंडक्टर यूनिट। ओडिशारे प्रतिष्ठा हेबो पूर्व भारतर प्रथम सेमी कंडक्टर यूनिट। गतकाली मेक इन ओडिशा कनक्लेव्र चतुर्थ दिन में ब्रिटेन लसराम एंड मराम ग्रुप भुवनेश्वर से सेमी कंडक्टर फैक्शन यूनिट प्रतिष्ठा करिवो बोली प्रतिश्रुति देछि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनुरोध क्रमे सार्म एंड मार्म ग्रुप भुवनेश्वर 30,000 कोटी टंका विनियोग रे एक सेमी कंडक्टर फैक्शन यूनिट प्रतिष्ठा करिवो बोली कंपनी गतकाली प्रकाश करिछि। गणमाध्यम को एही विषय रे सूचना दे सार्म एंड मराम ग्रुप कर्तृपक्ष कहिछति जे कंपनी समस्त सरकारी विभाग रु क्लीयरेंस पाइबा परे सेमी कंडक्टर उत्पादन यूनिट 3 मास काम आरंभ करिवो। प्रथम पर्याय 30,000 कोटी टंकार पूंजी विनियोग रे भुवनेश्वर निकटवर्ती अंचल रे 40 एकर परिमिति जगार सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापन करिबा प्रस्ताव रही बोली ग्रुप कर्तृपक्ष कहिछंती। सेमी कंडक्टर यूनिट स्थापन हेले ओडिशार 400-500 निजुक्तिर प्रत्यक्ष सुजोग मिलिबा सहित परोक्ष भावे बहु संख्यक युवक युवती निजुक्ति सुजोग पाइपारे। प्रारंभिक पर्यायर एही प्रकल्प पई कंपनी 30,000 कोटी टंका खर्च करिबो। परवर्ती समय एही विनियोग 2 लाख कोटी टंका पर्यंत जीवो। वाशिंग मशीन ठारु आरंभ करी एरोप्लेन ले व्यवहार करा जाई पारुथिबा एही सेमी कंडक्टर चिप पई भारत पूर्वरु चीन ताइवान कोरिया आदि राष्ट्र उपरे निर्भर करुथिला। नंबर 3 भारत रे बिक्री होउथिबा औषध पई बार कोड बाध्यतामूलक कले सरकार। देशरे बिक्री होउथिबा औषधरे बार कोड रहिबा बाध्यतामूलक कहिछंती सरकार। देश मध्यरे बिक्री होउथिबा औषध उपरे बार कोड करिबा पई भारतर स्वास्थ्य मंत्रालय कार्यसूची S2 को अपणाइछंती। औषधर उत्पादन प्रामाणिकता जोगाण एवं यहाकु ट्रैक करिबा पई सरकार एही निष्पत्ति नेइछंती। सरकार एही निष्पत्ति 1 अगस्त 2023 रु कार्यकारी हेबो। यहा कोनोसी औषधर आधार कार्ड रूपे कार्य करिबो। रिपोर्ट अनुसार एक स्वतंत्र QR कोड औषध विषयरे समस्त सूचना गच्छित रखिबो। जेपरिक योजना विषय सचेतनता सृष्टि करिबा उद्देश्य देशर औषध दुकान गुड़िक पदक्षेप को प्रोत्साहन दिया बोली मीडिया रिपोर्ट रे कहा जाइछि। नंबर 4 पद्मपुर उपनिर्वाचन वोटिंग पई पहुंचिला EVM सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। दिनक परे पद्मपुर उपनिर्वाचन पई पड़िबो वोट। आसंता काली मतदान थिबा बेले प्रशासन पक्षरु समस्त प्रकार प्रस्तुति करा जाइछि। वोटिंग पई EVM मध्य आसी पहुंचिछि। सुरक्षा व्यवस्था मध्य कड़ाकड़ी करा जाइछि। पद्मपुर सहरर RMC ठारे स्ट्रांग रूम व्यवस्था करा जाइछि। पद्मपुर निर्वाचन मंडली रे मोट 2,57,474 वोट रहिथिबा बेले 319 बूथ व्यवस्था करा जाइछि। झारबंध ब्लॉक रे 74, पाइक माळा रे 110, राजबोडा संबल रे 122 ओ पद्मपुर NSC रे 13 बूथ रहिछि। 319 बूथ मध्यरे 6 पिंक बूथ ओ 15 मॉडल बूथ रहिछि। पद्मपुर उपनिर्वाचन पई मतदान प्रक्रिया को सुरुखुरी रे करबा पई 360 पोलिंग पार्टी नियुक्त करा जाइछि। नंबर 5 भारत रे 2% रु अधिक जनसंख्या दिव्यांग। सेमानकु मिलु शिक्षा रोजगार सुजोग
राष्ट्रपति दिव्यांग शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलोजी उपरे अधिक गुरुत्व देवाकू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते शनिवार से कहते जे शिक्षा क्षेत्र में भाषा प्रतिबंधक को हटावाई दिव्यांग मानक शिक्षा को अधिक सुगम करने लगी कार्य करवा उचित जहाँफल से एक सम्मानजनक जीवन पाई आंतर्जातीय दिव्यांग दिवस दिव्यांग सशक्तिकरण दिगरे उत्कृष्ट कार्य विभिन्न राष्ट्रपति जातीय पुरस्कार प्रदान करते व्यक्ति विशेष अनुष्ठान संगठन राज्य एवं दिव्यांग कार्य करुवा जिला मानू पुरस्कृत करवेश संबंधित कर राष्ट्रपति मुर्मू कहते मिलित जातिसंघर आकलन अनुजाई विश्व में 100 कोटी अधिक दिव्यांग अच्छा यार अर्थ हो दुनिया प्राय प्रत्येक अष्टम व्यक्ति किसी प्रकार दिव्यांगता अच्छी भारत 2% रु अधिक जनसंख्या दिव्यांग तेणु समस्त कर्तव्य हो दिव्यांग माने किभले स्वाधीन भाव में एक सम्मानजनक जीवन जापन करिपारिबे से नै उपयोगी पदक्षेप ग्रहण करिबा से कहिसेंति जे या मध्य आमर कर्तव्य जे सेमाने किभली भलो शिक्षा पाई पारिबे निज घरे एवं समाज रे सुरक्षित रहिबे सेमानक करियर बाछिबा एवं समान नियुक्ति सुजोग पाइबे। राष्ट्रपति कहिसेंति जे भारतीय संस्कृति और परंपरा दिव्यांग ज्ञान आहरण तथा उत्कृष्टता हासिल करिबारे कौनसी प्रतिबंधक भाव विवेचना करा जाय नाही। नंबर 6 15,000 महिला को ब्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग दिया मिशन शक्ति सचिव राज्य में महिला मानक दिया ट्रेनिंग महिला मानक आहुरी अधिक मजबूत करने भुवनेश्वर में गतकाली एक कनक्लेवर आयोजन करा एथिरे 29 जिलू 1500 महिला जोगदे से व्यवसाय कोटीए रु अधिक रही गतकाली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा करते प्रत्येक जिला फेडरेसन मानक फंड जोगाइ दिजिव जमीती पंचायत स्तर महिला उन्नति में सहायक होती मिशन शक्ति सचिव से ही विभिन्न एम ओ यू स्वाक्षर होता बेले आगत भविष्य में ब्यूटी एवं हेल्थ केमी महिला अधिक सहायक हो नहीं आलोचना होता 15,000 महिला को ब्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग दिजिव ब्यूटी 10,000 महिला को ट्रेनिंग दिजिव बोली मिशन शक्ति सचिव सुजाता आर कार्तिकाय सूचना देते से ही केश सजा 5,000 महिला को ट्रेनिंग दिजिव जो मैंने घरे रही एभली सेवा जोगाई देवाक चाहिए से लोन साई दिजिव सुंदरता सह स्वास्थ्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही तेणु वेलनेस ट्रेनिंग में योग सिखा जाए ता सहित सुस्थ रहिबाकु विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक सामग्री व्यवहार सिखा जाए। ओडिसा रो 5 जिलू प्रथमे आरंभ हेबो प्रक्रिया 160 घंटार कोर्स रहिबो मिशन शक्ति अनुसार इंस्टीट्यूट हेबो बोली कहिसेंती ब्यूटी एवं वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल सीओ मोनिका। नंबर 7 श्रीमंदिर उपरे उड़िला ड्रोन नो फ्लाइंग जोन ले ड्रोन उड़ाई सोशल मीडिया रे पोस्ट कले बंगीय यूट्यूबर श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं विराट प्रश्नवाची सृष्टि होई कारण श्रीमंदिर नो फ्लाइंग जोन ले उड़ी ड्रोन किछि दिन तले श्रीमंदिर भितर काठ निकट फोटो उठाई जने युवक गिरफ होता बेले पुणी जने बंगीय यूट्यूबर श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ाई यूनिफाइड अनिमेस नाम रे सोशल मीडिया काउंटर 5:43 भिडियो सेयार करोथे श्रीमंदिर संपूर्ण मैपिंग कर श्रीमंदिर नीलचक्र सिंहद्वारा जाए अवस्थित को क्यमेर कैद कर संपूर्ण श्रीमंदिर चारिपटे उड़ी ड्रोन क्यमेरा एसबू भिड को कैद कर तेणु प्रश्न उठू नो फ्लाइंग जोन में किभली यही भिड रेकर्ड करागला और एथपाई किए अनुमति देला तेबे भिडर प्रारंभ में भिड करने को अनुमति दे पुलिस को धन्यवाद दि जाएगी अर्थात पुलिस ठारु अनुमति नहीं व्यक्ति जनक भिड कर कि जदि अनुमति नहीं ना पुलिस से जाए कहीं चुप रही आहुरी सांघातिक कथा व्यक्ति जनक राति समय श्रीमंदिर आउ कि भिड या दावी करिकना समय पोस्ट करे उल्लेख करपरिकी संपूर्ण भिड चाहूबा व्यक्ति अर्थ दे किपारे ऑफर नहीं जगन्नाथ प्रेमी भितर प्रबल असंतोष प्रकाश पाई। नंबर 8 राजधानी रे खोलिब सिविल सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र जमी जोगाइ देबे राज्य सरकार 200 पिला मागणा राज्यर सिविल सर्विस आशाई एक खुशी खबर राज्य में खोल सिविल सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र एथिपाई राजधानी भुवनेश्वर में राज्य सरकार 2 एकर जमी जोगाइ देबे देशर अग्रणी संस्था एठारे पिलामानुको प्रशिक्षण देबे एथिसहित प्रति सप्ताह वरिष्ठ अधिकारी माने दिग्दर्शन देबे राज्यर पिलामाने जेपरी आईएएस आईपीएस ओ आईएफएस भली उच्चकोटीर परीक्षा रे सफलता लाभ करिबे से नै सरकारी स्तर रे स्वतंत्र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापन हेबो सर्वभारतीय प्रशासनिक परीक्षा रे अन्य राज्यर पिलामाने सफलता हासिल करूथिबा बेले ओडिसा रे
ছাত্রছাত্রী এ ক্ষেত্রে পছরে রয়েছেন্তি। এনেই গত 2019 রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের মাগণা সিভিল সর্ভিস কোচিং যোজনা আরম্ভ করেছিলেন, মাত্র তাহা সফলতা হাসল করে নপারিবারু তাহাকু বন্ধ করে দিয়া যাইথিলা। তেবে প্রবেশিকা পরীক্ষা মাধ্যমে মেধাবীকে চয়ন করা যাই মাগণা কোচিং প্রদান নেই গত মাসে উচ্চশিক্ষা বিভাগ পক্ষরু রাজ্য সরকারক ঠারু অনুমতি লোড়া যাইথিলা। তেবে এবে পরিবর্তিত ঢঙ্গরে পুনি থরে সিভিল সর্ভিস কোচিং আরম্ভ করিবাকু রাজ্য সরকার অন্টা ভিড়িছন্তি। এনেই নিকটরে মুখ্য শাসন সচিবক অধ্যক্ষতারে এক বৈঠক বসিথিলা। বাহার রাজ্যর শিক্ষানুষ্ঠানকু দায়িত্ব দেবা অপেক্ষা নিজস পরিচালনারে কোচিং সেন্টর খোলিবাকু রাজ্য সরকার যোজনা করিছন্তি। এথিরে 400 পিলাকু কোচিং দেবাকু ব্যবস্থা হয়েছে। মাগণা কোচিং পাই প্রবেশিকা পরীক্ষা মাধ্যমে 200 জন মেধাবীকে চয়ন করা যাব। উক্ত ছাত্রছাত্রী মানে কোচিং সেন্টরে সেমানে 2 বর্ষ পাই রইবে। স্থায়ী গৃহ নির্মাণ ন হেবা পর্যন্ত ভড়া ঘরে কোচিং সেন্টর পরিচালিত হেব বলি জানা পড়িছি। নাম্বার 9 মুন্ড নোয়াইলে চীন সরকার জনতাঙ্ক আক্রোশ ব্যাঙ্ক ফুটরে জিনপিং। 2019 ডিসেম্বর মাসে চীনে করোনা ভাইরসর প্রথম মামলা সামনাকু আসিথিলা। এই মহামারীকু 3 বর্ষ পুরি সারিছি। ভারত সমেত সমগ্র বিশ্বরে এই মহামারী ব্যাপিথিলা। অনেক দেশ এই মহামারী বিরুদ্ধরে লড়িথিলে এবং সফল মধ্য হইথিলে। কিন্তু চীন এবে বি কঠিন সময় দেই গতি করুছি। প্রথমে চীনলে জিরো কোভিড নীতিকু সফল কুয়াচাউথিলে বি এবে কিন্তু সেই নীতি সরকারক বিরুদ্ধরে জনতাঙ্ক আক্রোশর বড় কারণ হইছি। জন অসন্তোষকু দৃষ্টিরে রখি সরকার কটকণা তো কোহল কলে, কিন্তু জিনপিংক ইহা বড় সমস্যা সৃষ্টি করিপারে বলি চর্চা হেউছি। চীনলে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইবা পরে জিনপিং সরকার যেউ জিরো কোভিড নীতি লাগু করিথিলে তাকু নেই জনতাঙ্ক মনরে তীব্র আক্রোশ দেখা দেইছি। আউ দীর্ঘ বর্ষ পরে চীনল কমিউনিস্ট সরকার বিরুদ্ধরে লোকে রাজ্য রাস্তাকু ওলাইছন্তি। দেশরে মহামারী, জনতাঙ্ক বিরোধ প্রদর্শন, খাদ্য সংকট এবং আর্থিক বোঝ চীন সরকারর চিন্তা বড়াই দেইছি। জনতাঙ্ক আক্রোশকু দৃষ্টিরে রখি সরকার কোভিড নীতিকু কোহল করিছন্তি। কটকণাকু কোহল করিবা সত্ত্বে মধ্য জিনপিংক প্রতি জন অসন্তোষ বড়িবারে লাগিছি। নম্বর 10 টিম ইন্ডিয়াকু বড় ঝটকা। বাংলাদেশ বিপক্ষ দিনিকিয়া সিরিজ পূর্বরু দলরু বাদ পড়িলে মোহাম্মদ সামি। বাংলাদেশ বিপক্ষে দিনিকিয়া সিরিজ পূর্বরু টিম ইন্ডিয়াকু বড় ঝটকা লাগিছি। জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আহত কারণরু দিনিকিয়া সিরিজরু বাদ পড়িছন্তি দ্রুত বোলর মোহাম্মদ সামি। মোহাম্মদ সামিক হাতরে আঘাত লাগিছি। তেবে বিসিসিআই পক্ষরু এনেই স্পষ্ট সূচনা মিলিনাহিঁ। বাংলাদেশ বিপক্ষে টিম ইন্ডিয়া 3টি দিনিকিয়া ও 2টি টেস্ট ম্যাচ খেলিব। ডিসেম্বর 4রু 4দিনিয়া সিরিজ আরম্ভ হেব। মোহাম্মদ সামি উভয় দিনিকিয়া ও টেস্ট টিমরে সামিল থিলে। জসপ্রীত বুমরাঙ্ক অনুপস্থিতি ভারতীয় বোলিং বাহিনীর মঙ্গ ধরিথান্তে সামি, কিন্তু আঘাত কারণরু সামি বাংলাদেশ গস্তরে যাই নথিবা সূচনা মিলিছি। টি-20 বিশ্বকাপে রোহিত, কোহলি, রাহুলক ভলি খেলাড়িকু নিউজিল্যান্ড গস্তরে পঠাই নথিলা বিসিসিআই। অন্যপটে বাংলাদেশ গস্তরে সামিক ব্যতীত 4 দ্রুত বোলরকু দলরে সামিল করা যাইথিলা। তেণু সামিক বদলরে বিসিসিআই অন্য বোলরকু টিমরে সামিল করিব কি নাহি তাহা এযাবৎ স্পষ্ট হইনাহিঁ।